Hey, welcome back. My name is Ravi and I'm the author of the book called Sales Ka Sikandar. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेल्स में हैं तो आपको एक ऑब्जेक्शन हमेशा मिलता होगा और वो ये है, हे आई डोंट नीड लाइफ इंश्योरेंस कवर और वाई शुड आई बाय एनी इंश्योरेंस प्लान, वाई शुड आई बाय एनी इंश्योरेंस कवर। और ये ऑब्जेक्शन सुनने के बाद में मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल जो इंश्योरेंस सेल करते हैं वो इसको जवाब नहीं दे पाते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट ट्रेन, उनको किसी ने सिखाया नहीं है इसको हैंडल कैसे करते हैं। वो कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप सर बहुत अच्छा प्लान है, सर आप ले लो, सर ऐसा कर लो। वो कहता है नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब वो पहले ही मना कर रहा है और आप उसको बेचने में लगे हो तो आप गलत कर रहे हो। हाउ यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, आई डोंट नीड एनी इंश्योरेंस कवर और वाई शुड आई बाय एनी लाइफ इंश्योरेंस प्लान, राइट? अगर आप ये सीख गए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी आप सीखने वाले इस वीडियो में, यू कैन क्लोज एज मैनी एच पॉलिसीज, एज मैनी एच प्रॉस्पेक्ट। आपको इसको इस्तेमाल करना, कैसे करेंगे आप? जब भी आपसे बंदा बोले वाई शुड आई बाय एनी इंश्योरेंस प्लान, आई डोंट थिंक आई नीड इट, तो क्या करना है? मैंने आपको लास्ट में स्ट्रेटजी बताई थी कि कभी भी सामने वाले ऑब्जेक्शन के सामने अपना थोबड़ा लेके नहीं जाना। कोई बंदा अगर आपको मुक्का मार रहा है तो डोंट डिफेंड विथ योर फेस, आप पीछे जाइए और उस एनर्जी को वापस लेके जाइए, जैसे जूडो कराटे में होता है। आपने क्या बोला? यस सर यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ये सोच रहा था कि यू डोंट नीड एनी लाइफ इंश्योरेंस कवर। या यू आर राइट सर, बट सर इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, करें आप ये क्वेश्चन, क्या मैं आपसे छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? क्योंकि आपने परमिशन मांगी तो सवाल पूछने का आपको इजाज़त देगा। और मैंने आपको एक बात बहुत पहले सिखाई थी बात कि सेल्स में हमेशा सवाल पूछने होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। सवाल पूछ के शांत रहना होता है, जवाब आता है और क्लोज होता है। आप उससे बोलो सर डू यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी इवन व्हेन यू आर नॉट देयर? इसका मतलब क्या है सर? क्या आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर, फाइनेंशियल भविष्य के सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न हैं? डू यू रियली केयर अबाउट दिस पीपल? और उसके बाद में शांत, आपने क्या किया? आप मुझे ये बात हो, आप चलो इंश्योरेंस सेल करते हो, बट अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे, मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कंसर्न हैं, सीरियस हैं, आपका जवाब क्या होगा? यस ऑफ कोर्स। तो आपने क्या किया? आपने बोला सर क्या आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सीरियस हैं, डू यू हैव अ कंसर्न अबाउट इट? वो क्या बोलेगा? यस या नो? अगर बंदा बोलेगा नो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, आई डोंट केयर अबाउट माई फैमिली एंड ऑल, देन यू क्लोज योर पोथी पत्र एंड मूव ऑन। सी हमें ये सिखाया जाता है सेल्स में कि हर कोई आपका कस्टमर है, चेपते रहो बेचते रहो, पीछे पड़ जाओ। इंश्योरेंस सेल करने के लिए बेसरा मरना पड़ता है, ये सब बकवास है, वो सब पुरानी टेक्निक है। जो मैं सिखाता हूँ वो नई साइकोलॉजिकल बेस्ड टेक्निक है। आपको चेपना नहीं पड़ेगा, पीपल विल बाय। आपने सवाल ऐसा पूछा है, 95% पीपल विल से यस आई डू लाइक टू सिक्योर माय फैमिली, व्हाई नॉट, ग्रेट। फिर आपने बोलना है यस सर आई अंडरस्टैंड दैट, देन आपको बोलना है सर देन यू डोंट नीड लाइफ इंश्योरेंस कवर, आपको सर जरूरत नहीं है। बट सर जिस सिक्योरिटी और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं अपनी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, that your responsibility need that financial security for those people। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ सर, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि मैं कंसर्न रखता हूँ उन चीज़ों से, तो वो जो कंसर्न आपका है ना उसके लिए सर योर पीपल रिक्वायर मनी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो यू डोंट नीड इंश्योरेंस कवर, यू नीड अ कैश फ्लो व्हेन थिंग्स आर नॉट राइट। So what I am giving you, I am not giving you any life insurance plan, any life insurance cover. What I am giving you the solution. I am giving you something which you and your family would need, even you are here or you are not there. Got it? And after that, you ask another question, how much cover, when, how, जो मैंने बताया कि कब करना, कैसे करना, कितना चाहिए, वो सवाल आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो मेरे वीडियोज पहले से पढ़े हैं, उसमें देखिए and you close the sale. That's how you close. You never convince him, sir, it's a good plan, this, that. Go. Talk straight. Ask the questions.
ask the question and get silence. Ask the question, get silence. Keep asking the question until prospect come on the right way. जैसे प्याज की लेयर होती ना, एक एक लेयर हटाते हो आप. You remove one layer, one layer, one layer. Then last में जो कोर प्याज आता है, that's how the prospect are. वो आपको सही बातें पहले नहीं बताते हैं. You just have to find out. As a sales professional, that is your job, your responsibility is to find out their real need. Don't try to shoot on the air. Find out the real concern and then hit it. That's how you close the sale. Now, if you like my idea, my philosophy, my methodology, then log in to www.saleskasikandar.com and you put your information. My team will get back to you and will tell you how your business, your sales can go to the next level. All the best.